मेरा नाम आस मोहम्मद है और मैं शामली से हूँ। और मेरे को लगभग 25 तारीख यानी कि 25 नवंबर में पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ रात को लगभग 12 साढ़े 12 बजे। तो मुझे लगा कि नॉर्मल होगा और मैं अपने यहाँ पे एक हॉस्पिटल है वहाँ पे पहुँचा। 2-3 घंटे तो मैं दर्द में ऐसे ही रहा कि शायद नॉर्मल होगा, ठीक हो जाएगा, कुछ हल्का फुल्का ले लिया मेडिसिन वगैरह, लेकिन दर्द ठीक नहीं हुआ। बहुत तेज़ दर्द था कि जान निकली जा रही थी। फिर मैं अपने यहाँ पे एक लोकल हॉस्पिटल है वो 24 आवर्स सर्विस है वहाँ पर, मैं वहाँ पर गया और एक दर्द के लिए इंजेक्शन लगवाया। तो मैं घर आ गया, मेरे को थोड़ा आराम हुआ दर्द में, लेकिन दर्द फिर कुछ घंटों के बाद फिर स्टार्ट हो गया। और दर्द इतना भयंकर था कि जैसे जान निकल जाती है, स्टोन का पेन बहुत ज़बरदस्त होता है। 2-3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने एक अल्ट्रासाउंड कराया अपने यहीं पे शामली में, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी कोई पथरी नली पर फंस गई है, अल्ट्रासाउंड में मुझे बताया गया। फिर मेरे पास मेरे ध्यान था कि एक डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पे ये पानीपत में आरपी स्टोन क्लिनिक के नाम से हैं और मैंने लगभग 20 सालों से जानता हूँ इनके, यहाँ का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है ये मेरे को पता था। तो मैं सीधा अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में शामली से पानीपत आ गया डॉक्टर साहब के पास में। और डॉक्टर साहब ने मेरा अल्ट्रासाउंड चेक किया और बोले कि आपको तो बहुत सारे स्टोन हैं दोनों साइड में, लेफ्ट में भी राइट में भी। और फिर मैंने डॉक्टर साहब से बोला कि मेरा तो सर आज ही ऑपरेशन कर दीजिए, क्योंकि मैं दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। 2-3 इंजेक्शन मैं लगवा चुका था दर्द के, लेकिन आराम नहीं हो रहा था। और डॉक्टर साहब ने फिर मेरा जो है उस जो पथरी मेरी नली में फंसी हुई थी उसको ऊपर डाल दिया और एक स्टंट डाल दिया और ऑपरेशन के लिए मुझे बोल दिया कि आप इसको करा सकते हैं 10-5 दिन में कभी भी आराम से, क्योंकि उस टाइम लीवर में गुर्दे में सॉरी गुर्दे में थोड़ा इन्फेक्शन था रिपोर्ट के अनुसार, जो रिपोर्ट कराई थी टेस्ट डॉक्टर लाल की, तो वो इन्फेक्शन आया, तो इसलिए उसको पथरी को नहीं निकाल सकते थे। स्टंट डाल दिया उस दिन, तो फिर मुझे बहुत आराम रहा, कभी दर्द तो हुआ नहीं है। और मैं अब यहाँ पर कल 11 तारीख में एडमिट हुआ दोबारा से, और कल डॉक्टर साहब ने मेरा 3:30-4 बजे ऑपरेशन किया। 50-55 मिनट में ऑपरेशन हो गया, मतलब मुझे 1% भी ये नहीं पता लगा, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा ऑपरेशन हो चुका है। एक जरा सा कहीं जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना, वो दर्द भी मेरे को नहीं हुआ, जो एक हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब मुझे ये डर था कि भाई पता नहीं रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगेगा, उससे कितना पेन होगा, दर्द होगा, क्या होगा। मतलब अगर नॉर्मल इंजेक्शन लगवाते हैं उससे भी बिल्कुल ना के बराबर पेन, मुझे तो पता ही नहीं लगा रियल में कि दर्द क्या चीज़ होती है। नहीं तो मुझे बहुत डर था कि भाई पता नहीं कैसे होगा, क्या ऑपरेशन है, कैसे है, कहीं कैसे होगा, क्या चीज़ है, बड़ा डर था। लेकिन अब मैं एक ये करा चुका हूँ, मुझे बिल्कुल 1% भी कोई दिक्कत नहीं है। और आज मैं 12 तारीख है, 11 में आया था, 12 तारीख है आज, और अब मेरा डिस्चार्ज होने का समय है। और यहाँ का स्टाफ इतना केयरफुल है कि मैं बता नहीं सकता आपको, कुछ भी चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको कि ये कर दो वो कर दो, हर तरह से बिल्कुल एकदम एक जैसे घर के जैसा माहौल होता है ना, वो मेरे को यहाँ पे देखने को मिला। और मैं डॉक्टर साहब के इस क्लिनिक से, डॉक्टर साहब से और स्टाफ से बेहद खुश हूँ, रियल फैक्ट ये है।